एमएस वर्ड 2016 के इस अध्याय में होम टैब में पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत आप सीखेंगे पैराग्राफ सेटिंग्स करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी पैराग्राफ में लिखी लाइंस में या दो पैराग्राफ के बीच जो स्पेस है उसे बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो होम टैब में पैराग्राफ ब्लॉक में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन की सहायता से ये काम कर सकते हैं। जिस पैराग्राफ की लाइंस में स्पेस बढ़ाना या कम करना हो उस पैराग्राफ पर कहीं भी क्लिक करें और फिर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन में जाकर जितनी स्पेस आपको चाहिए वो चूज करें। प्रीव्यू में नीचे आप देख सकते हैं कितना स्पेस बढ़ रहा है या घट रहा है। इसमें से आपको जो भी लाइन स्पेसिंग ऑप्शन ठीक लगे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अभी हमने एक पैराग्राफ में लिखी लाइंस के बीच में स्पेस बढ़ाया। इसी तरह किसी भी पैराग्राफ के पहले या बाद की स्पेस कम या ज्यादा करने के लिए भी आप इन ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप वो पैराग्राफ चुन लें जिसके पहले या बाद में आपको स्पेस देना हो या हटाना हो। अभी जैसे यहाँ पर हमने दूसरा पैराग्राफ चुना है, फिलहाल पैराग्राफ्स के बीच में हमने कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इस दूसरे पैराग्राफ के पहले स्पेस आ जाए, उसके लिए हम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन पर आ गए। अब यहाँ पर नीचे दो ऑप्शंस मिलते हैं, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये देखिए जिस भी ऑप्शन पर हम माउस ले जाते हैं वो हमको नीचे डॉक्यूमेंट पर दिखाई देने लगता है। अगर हम हमारे दूसरे पैराग्राफ के पहले स्पेस चाहते हैं तो एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरे पैराग्राफ के बीच में स्पेस बढ़ गया है। अगर आप दूसरे और तीसरे पैराग्राफ के बीच में स्पेस चाहते हैं तो एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि दूसरे और तीसरे पैराग्राफ के बीच में स्पेस आ गया है। अगर इस स्पेस को हटाना है तो वापस हम इसी ऑप्शन पर जाएंगे और पैराग्राफ के पहले वाली स्पेस हटाना हो तो रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे और अगर पैराग्राफ के बाद वाली स्पेस हटाना हो तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए वापस से पैराग्राफ्स के बीच की स्पेस हट गई है। अभी आपने लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शंस का यूज करना देखा। यदि आप यही काम एक साथ पूरे डेटा पर करना चाहते हैं तो पहले पूरा डेटा सिलेक्ट कर लें और फिर इन ऑप्शंस का यूज करें। पैराग्राफ ब्लॉक के कॉर्नर पर एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करने पर आपको पैराग्राफ सेटिंग के वो सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे जो हमने अभी तक सीखे हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने पर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड, ये सारे के सारे अलाइनमेंट्स जो कि पैराग्राफ ब्लॉक में दिखाई देते हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है इंडेंटेशन का। पैराग्राफ ब्लॉक में इंडेंटेशन के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं और वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इंडेंटेशन चेंज करने पर पैराग्राफ में क्या अंतर आएगा वो आप नीचे यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हैं। आप लेफ्ट में पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट में पैराग्राफ कहाँ तक टाइप हो, ये आप इंडेंटेशन की सहायता से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी लेफ्ट और राइट में ये जीरो है तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से नजर आ रहा है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि आपने जिस पैराग्राफ पर क्लिक करके रखा हुआ है या जो पैराग्राफ्स आपने सिलेक्ट कर रखे हैं उन पर ही ये ऑप्शन अप्लाई होगा। हम पहले तो लेफ्ट में इंडेंटेशन बढ़ा रहे हैं तो ये देखिए ये पैराग्राफ खसकता जा रहा है। अब हम अगर राइट में इंडेंटेशन बढ़ाते हैं तो राइट से भी ये स्पेस बढ़ती जाएगी और हम इसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ओके पर क्लिक कर देंगे।
ये देखिए, ओके पर क्लिक करते ही हमारा ये जो पैराग्राफ है वो जो भी इंडेंटेशन हमने सेट किया था उसके मुताबिक चेंज हो गया है। हम इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं। आपने बुक में, न्यूज़पेपर्स इत्यादि में देखा होगा कि पहली लाइन थोड़ा आगे से शुरू होती है। अगर आप भी पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ा आगे से शुरू करना चाहते हैं तो स्पेशल में फर्स्ट लाइन ऑप्शन चुनिए। ये देखिए, प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि पहली लाइन जो है वो थोड़ा सा आगे से शुरू हो रही है और दूसरी लाइन वापस बाकी के पैराग्राफ से मिलती हुई है। इसे में दूसरा ऑप्शन है हैंगिंग। अगर आप चाहते हैं कि पहली लाइन तो जहां से बाकी लाइन शुरू हो रही है वहीं से हो, पर बाकी की सभी लाइंस थोड़ा आगे से शुरू हो, तो उसके लिए हैंगिंग ऑप्शन का उपयोग किया जा सकता है। इसको अप्लाई करने के लिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करें। ये देखिए, अब हमारा जो पहला पैराग्राफ है जो हमने चुना था उसकी पहली लाइन तो अपनी जगह से शुरू हो रही है, पर बाकी सारी जो लाइंस हैं वो थोड़ा आगे से शुरू हो रही हैं। इसको हम वापस नॉर्मल कर देते हैं। और ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं स्पेशल ऑप्शन में जा करके, मतलब हम पहली लाइन कितनी आगे से शुरू करना चाहते हैं या बाकी की लाइंस कितनी आगे से शुरू करना चाहते हैं, वो हम बाएं में जा करके चुन सकते हैं। यहां से आप उस डिस्टेंस को घटा या बढ़ा सकते हैं। आगे ऑप्शन मिलता है स्पेसिंग का। ये बिफोर और आफ्टर के ऑप्शन से आप पैराग्राफ्स के बीच की जो दूरी है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं, और लाइन स्पेसिंग में जाकर के आप दो लाइंस के बीच की दूरी को घटाया बढ़ा सकते हैं। यह ऑप्शन आपको यहाँ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन में मिल जाता है। यहाँ से पैराग्राफ सेटिंग का फायदा यह है कि आप एक ही बार में पैराग्राफ में जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो कर लें और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें, जिससे कि जो जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो एक साथ आपको उस पैराग्राफ पे नजर आ जाएंगे। MS Word 2016 के इस अध्याय में होम टैब में पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा पैराग्राफ सेटिंग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।